एक्चुअली है क्या, इनको मिलाकर वर्ड्स यानी इस केस में कॉर्ड क्या, पर सुर तो साथ होते हैं और फ्रीक्वेंसी मार भेजा कर दही रायता कर दिए हो तुम पैक कर दे एकदम। ये वो वक्त था जब इस सफर की शुरुआत हुई थी। फिर से जा रहा हूँ वहाँ, पर अब अकेला नहीं, आप सबके साथ। टाइम जो हमने पोजीशंस की बात की थी, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो पोजीशंस एक्चुअली हैं क्या। उन पोजीशंस को नोट्स कहते हैं। बंटाई नोट्स एक तरह से म्यूजिक का सबसे छोटा यूनिट है। जिस तरह से हमारे पास अल्फाबेट्स ए बी सी डी, उसी तरह से हमारे पास नोट्स होते हैं जिनको मिलाकर वर्ड्स यानी इस केस में कॉर्ड। कहाँ थे दो साल? चलो अब एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज देख लेते हैं। लास्ट लेसन की फर्स्ट एक्सरसाइज को ही हम आगे बढ़ाएंगे। ये इस बार आप मेरे साथ साथ बजाएंगे और हम इस पर 12th फ्रेट पे बजाएंगे। मतलब कि जहाँ पे आपका, यहाँ से आप गिनेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग से लेके 12th पे जब आप आएंगे, लगभग सभी गिटार्स पे 2 डॉट्स होती है वहाँ पे। शुरू करेंगे अब आप। E A D G B E। अब इसको आप ओपन बजाएं। अब एक बार 12th फ्रेट पे। आप फिर पहेलियां बुझा। इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आप लोगों ने नोट किया होगा कि ये इस तरह से और इस तरह से 12th फ्रेट पे, दोनों की आवाज सेम लेकिन सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है। वो कैसे? म्यूजिक में 12 सुर होते हैं और उसके बाद रिपीट होता है लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा। क्या? पर सुर तो 7 होते हैं और फ्रीक्वेंसी। अभी आप साइंस की बुक खोल के क्यों बैठ गए बंटा? अरे चिल बालक, इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज के साथ चिल करो। मेरे साथ साथ बजाएंगे आप, फिर से साथ साथ में बोलेंगे भी। सो ई जी बी E, फिर से B and G, so E G B E B G, E G B E B G, E G B E B G, G B B G। एक बार फिर से करेंगे इस एक्सरसाइज को, लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है। सो 12th फ्रेट पे। So, आपने दबाना है ई 12th फ्रेट पे, उसके बाद जी, उसके बाद बी, उसके बाद ई, फिर बी। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको फ्रीक्वेंसी डिफरेंस समझाने के लिए है। एक्चुअली गिटार पे फ्रीक्वेंसी को समझना बहुत जरूरी है। जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक बढ़ती। हमार भेजा कर दही रायता कर दिए हो तुम, अब सीधे से बता रही हो कि क्या चल रहा है यहाँ। अब हम शुरू कर रहे थे ई ए डी जी बी ई। तो जो ऊपर का ई है उसको हम बोलते हैं लो ई, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। और जो नीचे वाला ई है इसको हम बोलते हैं हाई ई, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे लड़कियों की आवाज तीखी होती है इसलिए उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और लड़कों की आवाज भारी होती है इसलिए फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक उसी तरह लेफ्ट से राइट की तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। जैसे आपने पिछली 2 एक्सरसाइज में देखा फ्रीक्वेंसी बढ़ी। ओपन पे कुछ और थी, 12th फ्रेट पे। हम कॉर्ड वॉर्ड सिखाओ कोई, कहाँ साइंस पढ़ाने बैठ गए। हमने बात की थी नोट्स की। सो अगर हम 2 या 2 से ज्यादा नोट्स को एक साथ बजाएंगे, जैसे मान लीजिए मैंने कहीं भी आप 2 नोट साथ में बजाएंगे तो उसको बोलेंगे कॉर्ड। 2 से ज्यादा जैसे 3 मैंने बजाए तो कॉर्ड। कॉर्ड्स को समझने के लिए आइए एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज देखें। हमने सेकंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज में ये सारे नोट्स बजाए थे, आपको याद होगा, इस तरह से एक एक करके हमने सारे नोट्स बजाए थे। तो उन्हीं में से अब हम 2 नोट्स उठा रहे हैं। हमारे पास ए स्ट्रिंग पे हम सेकेंड फ्रेट पे, चीज का फ्रेट बोलते हैं आपको पता है, सेकेंड फ्रेट पे 3rd फिंगर रखेंगे। मैं धीरे धीरे आपको रीजंस बताऊंगा, जो फिंगर मैं आपको बता रहा हूँ आप कोशिश करें कि वही रखें। सेकेंड फिंगर भी रख सकते हैं, कहीं आपको बताएंगे सेकेंड फिंगर रखें आप, लेकिन जिस तरह से अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको आगे आसानी हो जाए, सो 3rd फिंगर रखें आप। उसके बाद जो सेकेंड फिंगर है आपकी, सेकेंड फिंगर को 3rd के बिल्कुल नीचे रखें। मतलब कि अब आप आ जाएंगे डी स्ट्रिंग के ऊपर। डी स्ट्रिंग में फ्रेट आपका रहेगा सेकेंड फ्रेट ऑन द ए स्ट्रिंग एंड सेकेंड फ्रेट ऑन द डी स्ट्रिंग। उंगलियां रखेंगे आप 3 और 2, ये आपकी बन जाएगी कॉर्ड। इसको आप
प्लेक्ट्रम को आप ऊपर से नीचे ड्रैग कर दें एकदम, ये आपकी बन जाएगी कॉर्ड। तो कॉर्ड अभी हमने बजाई है, उसे कहते हैं ई माइनर। और जो मैंने आपको बोला था कि ड्रैग करें आप अपने प्लेक्ट्रम को इस तरह से नीचे, उसको कहते हैं सिंगल स्ट्रम। तो अब हमारा रोलर कोस्टर सेट है, अब हम बिगिन करेंगे। अजीब आदमी हो, सवाल तो यूं ही छोड़े जा रहे हो तुम। इन सवालों का जवाब बहुत जल्द। अमा तुम कहाँ जा रहे हो? अम्मा बता रही कि सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं कर रहे हो तुम। अमा हमारी फोटो पे दबाओ और इस सब्सक्राइब बटन को दबाओ, वरना दूसरी मांग बना देंगे तुम्हारी, बता रहे हैं हम। घंटी दबा दो जल्दी, मुंह का इतना कह रहे हो, जाओ दबा।